Hello everyone, this is Neha Soni and I am your social science teacher. So, I will be teaching you social science in this year. And yes, we have started with history from class 6, and the book name is Our Past. And now we are going to start your chapter number 6 in this book. So, we have completed our chapter number 1, 2, 3, 4, and 5, and now we are in your chapter number 6 that is New Questions and Ideas so what are the questions and what are the ideas we will try to understand in this chapter okay so this is a part one of this chapter and we will discuss about the story of buddha you can say mahatma buddha okay so let's begin it so here is a story of anka's school trip so each and every chapter is introduced by a young boy or a girl so here is a young girl that This was the first time Anga was going on a school trip. आप अपने स्कूल में भी स्कूल ट्रिप पे जाते होंगे ना हम भी गए थे हमारी स्कूल टाइम पे हम बहुत लंबे लंबे ट्रिप्स पे जाना पसंद करते थे They boarded the train from Pune and Pune is in Maharashtra late at night to go all the way to Varanasi in Uttar Pradesh. सो so, my डियर स्टूडेंट्स अंगा was गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप एंड they boarded द ट्रेन फ्रॉम पुणे इन महाराष्ट्र एंड दे आर गोइंग फॉर द वाराणसी इन उत्तर प्रदेश why दे आर गोइंग दे आर गोइंग फॉर a स्कूल ट्रिप सो वहाँ पे क्या होगा उन्हें वहाँ पे उन्हें हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखने को मिलेगा और बहुत सारी जो इंफॉर्मेशंस होती है वो इसे जान सकते हैं और वे एंजॉय करेंगे इसे सो so, आगे देखते क्या होता है स्टोरी में

सार नाथ एज वेल वॉट इज सारनाथ एंड वेर इट इज़ सो वी विल डिस्कस अबाउट इट इन दिस चैप्टर सो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी अभी तक हमने हमारी जब जैप्ट फाइव चैप्टर्स कम्प्लीट किए हैं उसमें क्या एक स्टोरी है जो कनेक्शन बनता जा रहा है फर्स्ट चैप्टर that tells us about the origins of human beings right and in second chapter from hunter gatherers to growing food we have discussed about the early man who have started to cultivation and the cultivation of crops okay in third chapter we have discussed about the famous sites and the urban civilization right the Harappa Civilization, Indus Valley Civilization, we have discussed about the places like Dholavira, Mohanjodaro, Lothal, Harappa and many others and in our fourth chapter what books and burials tells us. So, books can tell us about the history. So, we have discussed about Rig Veda, Sam Veda, Athar Veda, Yajur Veda right. And the early Vedic text was Rig Veda, it was dated about 3500 years ago. So अगर हम मेज़र करें कि अभी हमने क्या कंप्लीट किया है सो चैप्टर वन में लाइक like हमने टू मिलियन ईयर्स अगो से जो हमारा स्टार्ट किया था ह्यूमन बींग्स का जो एविडेंसेस मिलते हैं वहाँ से हमने स्टार्ट किया था चैप्टर टू एंड थ्री वॉज स्टोन एज राइट सो स्टोन एज फ्रॉम टू मिलियन ईयर्स अगो टू टेन थाउजेंड बी सी तक हमने यहाँ पर एज देखा था एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द पैलियोलिथिक एज नियोलिथिक मिजोलिथिक नियोलिथिक राइट

और उस अर्बन सिविलाइजेशन का वेनिश भी देखा था हमने सो इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय सम अटैक्स एंड सम अदर रीजंस लाइक नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से वो जो अर्बन सिविलाइजेशन थी जो एक बहुत अच्छी फ्लरिश हो चुकी थी उसका एंड हमने देखा उसके बाद लेटर ऑन फोटीन हंड्रेड ईयर्स लेटर सो एक uh, कुछ ट्राइबल फ्लाइंस वहाँ पे इमर्ज होने लगे थे सो so, वहाँ से हमने जना सिस्टम स्टार्ट किया वैदिक uh, टेक्स्ट हमें मिलता है राइट सो अराउंड फिफ्टीन हंड्रेड बी सी यहाँ से हमने देखा था ऋग्वेद के बारे में सो so, अगर हम आज टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में हैं सो ऑलमोस्ट थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ईयर्स अगो ओके सो यहाँ से हमें ऋग्वेद मिलता है आफ्टर फाइव हंड्रेड ईयर्स अगो यहाँ से लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है और इसमें हमने डिस्कस किया था जो तीनों जो टेक्स्ट हैं बाद के है ना सामवेदा यजुर्वेदा नथुर्वेदा एंड हमने यहाँ से जो वैदिक ऐज है अगर हम 1500 हंड्रेड बी सी से थाउजेंड बी सी जो टाइम था इस बीच में हमारा अर्ली वैदिक पीरियड था और इसके साथ में अगर आप 500 हंड्रेड बी सी की बात करते हैं तो यहाँ से हमारा लेटर वैदिक ऐज और जो लेटर वैदिक टेक्स्ट है वो हमें मिला था ये हमने डिस्कस कर लिया तो अभी तक हम कहाँ तक आ चुके हैं टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड यहाँ तक हमने स्टार्ट कर लिया था एंड द फाइव द चैप्टर नंबर फाइव विल टेल अस अबाउट द महाजन सो हमने देखा था महाजनपदार्थ अराउंड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ईयर्स अगो दे आर डेवलपिंग ओके सो जना सिस्टम से जनपदार्थ जनपदार्थ से महाजनपदार्थ हमने स्टडी किया था और अब यहाँ से हमने एक कनेक्शन बनाया है और इस कनेक्शन से हम ये देख रहे थे कि जो इतनी सोसाइटी जो पॉलिटिकल वे में इतनी फ्लारिश हो रही थी वहाँ पर शोशली क्या डिससेटिस्फेक्शंस थे हमने देखा था वर्ना सिस्टम राइट सो पुरोहित एंड द क्षत्रियज वार इन सेंट्रल पोजिशन इन सोसाइटी बट द अदर वर व लाइफ इज़ वेरी पेनफुल सो वी विल टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स अबाउट सोशल लाइफ है हाँ ना उनका रिलीजन क्या था किस अकॉर्डिंग उन्होंने जो अपना डिससेटिस्फेक्शन है उसको कैसे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था सो so, इस तरह से हम यहाँ पे इस चैप्टर में ये देखेंगे कि क्या क्वेश्चनस आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर क्या अब भी वो लोग जो इनक्वलिटी उनके साथ की जा रही थी उसके लिए उन्होंने क्वेश्चन किए क्या कुछ और जो थिंकर थे क्या उन्होंने कोई नया आइडिया यूज़ किया उस समय सो वी विल टॉक अबाउट दिस इन दिस चैप्टर सो थीम समझ में आ गई आपको कि हम क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे जो नए आइडियाज़ थे जो कुछ क्वेश्चंस थे इनिक्विलिटी को लेके सोशल लाइफ में उसी को लेके कुछ लोगों में नए नए आइडियाज़ आने लगे और यहाँ से जो है ना नए रिलीजन्स भी हम इमर्ज होते हुए देखेंगे सो वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर स्टोरी देखनी है महात्मा बुद्धा और यू कैन से गौतम बुद्धा की सो वी कैन से द फाउंडर ऑफ़ बुद्धिज्म वॉज गौतम बुद्धा फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिद्धार्थ गौतम वॉज द नेम ऑफ हिज सो हिज चाइल्ड हुड नेम वाज सिद्धार्थ ओके इनका चाइल्ड हुड नेम क्या था सिद्धार्थ था एंड वी कैन से वी कैन से दिस दैट ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म ओके सो अब बुद्धिज़्म क्या है ये भी हम देखेंगे He was born about 2500 years ago, almost the period when the Mahajanpadas are evolving, right? So, the society was evolved. So, during the time the uh, Mahajanpadas were evolving, so that time he was born about 2500 years ago.

सबसे सेंटर में सबसे ऊपर अपने आप को किसने आ, बताया था जो पुरोहित हैं वो सबसे ऊपर रहेंगे उनका लेवल सबसे हाई होगा सोसाइटी में दैन क्षत्रियाज दैन वैश्याज एंड फोर्थ वन इज शुद्राज सो so, शुद्राज को जो है ना एकदम लो लेवल का और उनके साथ में अनटचबल भी उन्हें ट्रीट किया जाता था तो इस तरह से जो है सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकल चेंजेस के साथ साथ सोशल लाइफ में जो उनका रिलीजन्स के अकॉर्डिंग जो कस्टम्स थे रिचुअल्स थे वो ज़्यादा टिपिकल होने लग गए उनके लिए पेनफुल उनकी लाइफ हो गई थी तो इस तरह से बहुत सारे चेंजेस लोगों की ज़िंदगी में हमने देखे थे तो यहाँ से ये यह पिक्चर हमने ली है आपको हेल्प के लिए सो so, इट इज़ अ पिक्चर ऑफ़ गौतम बुद्धा सो अगर हम बात करें सम ऑफ द किंग्स ऑफ द महाजनपदास है वेरी पावरफुल दैट टाइम हमने देखा था बिम्बेसार अजार शत्रु राइट सो उन्होंने क्या किया अपनी जो टेरेटरी थी जो यहाँ पे इस मगध uh, में यहाँ पर थी उन्होंने क्या किया ऑल ओवर जो इंडिया था उसका नॉर्थ वेस्ट तक इन्होंने अपनी जो टेरिटरी की बाउंड्रीज थी उसे इन्हेंस कर दिया उसे बढ़ा दिया तो so, इस तरह से उनका पावरफुल बहुत ज़्यादा उनका किंगडम जो उनका एम्पायर था उससे डर के जो अलेक्जेंडर की सेना थी उसने भी जो ब्यास रिवर थी उसे क्रॉस करने से रिफ्यूज़ कर दिया था सो so, इस तरह से यहाँ पे देखें अगर सिचुएशन अभी किंग की जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है अगर किंग की सिचुएशन पावरफुल होगी तो क्या होगा ही विल परफॉर्म बिग सेक्रीफाइज विद द हेल्प ऑफ पुरोहिताज एंड पुरोहिताज विल कम इन लीड रोल सो so, यहाँ से वापस वही सब कुछ होगा जो शुद्राज के साथ स्लेव्स के साथ दासा दासीज़ के साथ विमेंस के साथ जो पार्शलिटीज़ की जाती थी सो so, इसी तरह से ये सिस्टम चला आ रहा था और अब ज़्यादा टिपिकल होने लग गया था ये उनके साथ में ज़्यादा रूड बिहेवियर किया जाने लग गया था सो किंग वॉज इन पावरफुल पोजिशन दैट टाइम आफ्टर थाउजेंड ऑफ ईयर्स न्यू सिटीज़ व इमर्जिंग अगेन अब हज़ारों साल बाद में वापस से नई तरह के जो शहर हैं वे बनने लग गए थे चेंजेस वर ऑल्सो टेकिंग प्लेस इन रूरल लाइफ सो विलेज की जो लाइफ थी वहाँ पे भी चेंजेस देखने को मिलते हैं अब जो सोसाइटी है ना उसमें भी ये वर्न सिस्टम पूरा का पूरा घुस चुका था उन्होंने भी इस वर्न सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था बिकॉज वेशर्ज वर मनी माइंडेड सो उन्हें अपने सिर्फ पैसे से प्रॉफिट से मतलब है और जो किंग है पुरोहित है देवर डोमिनेटिंग सो अब जो रेस्ट ऑफ़ द पीपल है उनकी लाइफ क्या इतनी पेनफुल हो गई थी बिकॉज दे डोंट हैव एनी राइट टू चूज देयर लीडर्स दे डोंट हैव एनी राइट टू टेल अबाउट देयर लाइफ वो किसी से अपने जो प्रॉब्लम्स थी वो शेयर नहीं कर सकते थे कोई उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट नहीं करता था सो चेंजेस वर हैपनिंग दैट टाइम एंड मैनी थिंकर्स सो दट टाइम मैनी थिंकर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन सोसाइटी सो ऐसा नहीं था कि कुछ लोगों ने इसके बारे में सोचा नहीं बहुत सारे जो थिंकर्स थे उन्होंने इसके बारे में सोचा और दे वॉन्ट टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ सो अब क्या हुआ उन्होंने लगातार इस बारे में कोशिशें की वे जानना चाहते थे वॉट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ राइट सो वाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ सो so, आपके लिए जिंदगी का सच्चा अर्थ क्या है सो इट इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू माई डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू थिंक अबाउट इट वट इज योर लाइफ एंड वट इज द मोट ऑफ योर लाइफ एंड वॉट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ योर लाइफ आप क्या बनना चाहते हैं दैट टाइम व्हेन आई वाज इन माय चाइल्डहुड आई वाज थिंकिंग एंड स्टिल आई एम थिंकिंग दैट आई वांट टू बिकम अ ऑनेस्ट पर्सन एंड आई वांट टू बिकम अ गुड पर्सन सो मुझे एक अच्छा इंसान बनना है यही मेरी लाइफ का मोटो है एंड जो चीज़ें होती हैं जो सक्सेस होती है आज हम किसी पोस्ट में हैं या किसी और चीज़ में हैं कल हम कुछ बन जाएंगे ये ट्रुथ uh, नहीं होता है ये एक फेज है जो आपकी लाइफ में आता है और एक टाइम के बाद में चला जाता है बट ऑल ओवर आपकी पर्सनालिटी होती है आपको अपने आप को कैसा देखना है सो so, मुझे अपने आप को एक अच्छा इंसान देखना है एंड यू हैव टू थिंक अबाउट इट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर लाइफ सो थिंक अबाउट इट ओके सो नाओ येस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लाइफ ऑफ बुद्धा सो हेयर बुद्धा वाज अ क्षत्रिय सो ही बिलोंग्स टू ए क्षत्रिया फैमिली राइट वो ऐसे नहीं थी कि वो शुद्राज थे या पुरोहित थे ब्राह्मण थे ही बिलोंग्स टू ए क्षत्रियाज लाइफ एंड क्षत्रियाज़ फैमिली एंड बिलोंग टू ए स्मॉल गना कॉल शाक्य सो गना सिस्टम हमने देखा था वज्जी में राइट right? वज्जी में हमने गना सिस्टम देखा था सो ही बिलोंग टू ए स्मॉल गना गना में क्या होता था बहुत सारे लोग थे वो अपना जो लीडर है वो खुद चुनते थे और उन्हीं में से वन बाय वन जो लीडर्स हैं वो बन जाते थे तो वहाँ से शक्य जो एक स्मॉल गना था वहाँ से ही बिलोंग करते हैं इन ऑर्डर टू अटेन नॉलेज ही हैड गिवेन अप ऑल द कम्फर्ट्स ऑफ होम प्लेजर्स ऑफ हिज यूथ देखिए यहाँ पे कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है एक्चुअल सेक्रीफाइस जिसे कहते हैं जो जो किंग्स थे वो सेक्रीफाइस करते थे बिकॉज दे वॉन्ट टू डेमॉन्स्ट्रेट देयर रिचनेस एंड देयर पावर बट येस अबाउट बुद्धा ही सेक्रीफाइज ऑल हिज कम्फर्ट्स ऑफ होम एंड प्लेजर्स ऑफ हिज यूथ दिस इज अ रियल सेक्रीफाइस माई डियर स्टूडेंट्स सो यहाँ से इन्होंने क्या किया ही वॉन्ट टू अटेंड नॉलेज उन्हें नॉलेज लेना था हमने देखा था ना हिस्ट्री कैन हेल्प पर्स टू गेट द नॉलेज एंड विद नॉलेज वी कैन डू एवरी थिंग इन दिस लाइफ सो उन्हें क्या करना था इन ऑर्डर टू अटेन नॉलेज ही हैड टू गिवन अप ऑल द कम्फर्ट्स जो भी सुख सुविधाएँ हमें हमारे घर में मिलती है जो फैसिलिटीज़ मिलती है ना वे सारी उन्होंने छोड़ दी थी एंड द प्लेजर्स ऑफ हिज यूथ जो भी खुशियाँ थी उनके थी, जो युवा जीवन में उन्होंने भी उन सभी चीज़ों को त्याग दिया था आगे देखिए उन्होंने क्या किया आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर मैनी ईयर्स मीटिंग ऑ द थिंकर्स ही फाइनली डिसाइडेड टू find his own way.

वे बताया है लाइफ का कि इतना ज़्यादा भी हमें स्ट्रिक्ट नहीं होना है जो हम नहीं कर सकते हार्ड थिंग्स वो हमें नहीं करनी है हमें एक बीच का रास्ता लेके चलना है और ये उन्होंने अपना एक रास्ता खुद ने ढूंढा था सो so, बहुत सारे थिंकर्स से उन्होंने मीटिंग करने के बाद में क्या डिसाइड किया कि आई विल फाइंड माई ओन वे टू अटैंड नॉलेज मैं मेरा रास्ता खुद ढूंढूंगा नॉलेज मीन्स ज्ञान की प्राप्ति के लिए सो so, हेअर इज़ बुद्धा You can see under a peepal tree. So he meditated for days on एंड under a peepal tree at Bodh Gaya. So उन्होंने क्या किया ध्यान साधना की उन्होंने कोशिशें की बहुत सारी और कहाँ की ये एक पीपल के वृक्ष के नीचे जो पीपल ट्री था उसके अंडर नीचे बैठ के उन्होंने ये मेडिटेशन किया बहुत दिनों तक किया और he did severe penance for a long time. उन्होंने बहुत दिनों तक तपस्या की ध्यान किया साधना की इवेंशुअली ही अटेंड एनलाइटमेंट हैंज फॉर ही वॉज नोन एज द बुद्धा और यू कैन से वाइज वन देखो हमारे हमारे घरों में या हमारी फैमिलीज़ में या हमारी सोसाइटी में भी आपने देखा होगा बहुत सारे जो यूथ हैं बहुत सारे जो बच्चे हैं बहुत सारे जो हमसे जूनियर्स हैं वे भी बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं दे आर कॉल वाइज वन बिकॉज उनके पास में नॉलेज होती है सो so, यहाँ पे भी क्या हुआ था बुद्धा को जो है ना अब अपना जो सत्य था अपना जो ज्ञान था वो मिल गया था एंड फाइनली ही वॉज़ नोन एज बुद्धा एंड द मीनिंग ऑफ बुद्धा वॉज वाइज मैन राइट वाइज वन सो जो जिसमें अब ज्ञान है वही बुद्धा है सो so, इस तरह से इन्होंने जो दूसरे थिंकर से उनसे अलग हट के अपना एक वे चूज़ किया और उससे चलते हुए ही इन्हें क्या हुआ ही अटेंडेंट एनलाइटमेंट ओके सो उन्होंने यहाँ पे एनलाइटमेंट मीन्स उन्हें जीवन का सत्य पता चल गया एंड हैल्थ फॉर मीन्स आफ्टर इसके बाद में क्या किया उन्हें किस नाम से जाना गया उन्हें बुद्धा के नाम से जाना गया स्टार्टिंग में उनका नाम क्या था सिद्धार्था व इज़ द नेम ऑफ हिस्ट चाइल्ड हुड उनका नाम सिद्धार्थ था और अब यहाँ से जब उन्हें ज्ञान मिल गया तब लोगों ने उन्हें क्या कहा बुद्धा कहा वाइस वन कहा ओके okay? बुद्धा गेव हिज फोर समन और यू कैन से स्पीच एट सारनाथ नियर वाराणसी सो हेअर माई डियर स्टूडेंट्स वर्ल्ड इज कमिंग सारनाथ और अनघा की मोम ने भी उसे कहाँ बोला था जाने को सारनाथ विजिट करने को कहा था और सारनाथ में क्या हुआ था इम्पॉर्टेंट है ये बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमर राइट बुद्धा ने अपना जो पहला स्पीच है जो अपने पहले ज्ञान की बातें हैं वे कहाँ कही थी सारनाथ में कही थी एंड सारनाथ नियर वाराणसी ही स्पेंट हेज रेस्ट ऑफ द लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फुट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टीचिंग पीपल एंड ही डाइड एट अ प्लेस कॉल्ड खुशीनारा यहाँ से इनकी जो मृत्यु है इसका पता चलता है खुशीनारा एक जगह है जहाँ पे बुद्धा की जो है मृत्यु हो गई थी एंड ही स्पेंड हिज़ रेस्ट ऑफ़ द लाइफ राइट ही स्पेंड इज़ रेस्ट ऑफ़ द लाइफ देयर एंड ट्रैवलिंग ऑन फूड वो फूड पे मीन्स पैदल पैदल चल चल के लोगों के घर जा जा के, या फिर कहीं मीटिंग्स कर करके उन्होंने क्या किया अपने जो लोग थे उन्हें सही बातें बताई सही तरह की टीचिंग दी सो so, इस तरह से जो लोग थे वे इनके डिसाइपल्स बन गए थे एंड बुद्ध वॉज टीचिंग पीपल एंड ही वॉज ट्रैवलिंग ऑन फूड इन द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एंड ही डाइड एट अ प्लेस कॉल्ड खुशिंग नारा क्लियर फॉर यू माई डियर क्लास सो लेट्स सी अनदर थिंग बुद्ध टॉट दैट द होल लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स एंड स्ट्रगल येस माई डियर स्टूडेंट दिस इज अ ट्रू राइट सो होल लाइफ इज़ फुल ऑफ़ सफरिंग्स एंड सोरोज ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि जो ज़िंदगी है ये सफरिंग्स और सरोज़ दुखों से भरी हुई है और परेशानियों से भरी हुई है द होल लाइफ इज़ फुल ऑफ़ सोरो एंड सफरिंग्स एंड यू हैव टू लिव इन दिस विद स्माइल ऑलवेज यू हैव टू कीप खूल cool. ओके okay. आपको हंसते खिलखिलाते हुए काम करना है और अपनी लाइफ को एन्जॉय करना है सो ही टोल्ड दैट द रीज़न फॉर दिस मिजरी टू द डिज़ायर्स एंड लॉन्गिंग्स दैट बी फुलफिल रीज़न क्या है दुखों का मींस आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा होता है उसे चॉकलेट चाहिए मीन्स चॉकलेट चॉकलेट और अगर उसको आप चॉकलेट नहीं दोगे तो क्या होगा He will become sad, right? अब आप देख लीजिए एक छोटे से बच्चे को भी desire होती है right? अगर उसे कुछ नहीं मिलेगा तो he will become sad. So ये चीज़ें हमारे साथ में बचपन से होती है ये चीज़ें हम लोग जब तक हम इन्हें control नहीं करेंगे हमारी desires को हम इसी तरह से दुख पाते रहेंगे हम ज़्यादा expectations कर लेते हैं किसी से ये सारी जो चीज़ें हैं यही हमारे रीज़न है हमारे सैडनेस का हमारे सफ़रिंग्स का हमारे सोरोज का सो so, so, ही टोल्ड दैट रीज़न फॉर दिस मिजरी टू द डिज़ायर्स सो जो डिज़ायर्स होती हैं हमारी यही रीज़न है हमारे दुखों का अगर आप डिज़ायर नहीं करोगे ज़्यादा तो आपको कोई दुख भी नहीं होगा जैसे अगर आप ये नहीं सोचोगे कि कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ अच्छा करेगा कुछ बड़ा करेगा तो आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी और आप अपना काम अपने लिए खुद करोगे सो ज़्यादा डिज़ायर्स अगर हम किसी भी चीज़ के लिए रखेंगे किसी भी चीज़ की ज़्यादा डिजायर्स अगर हम रखेंगे सो so वो हमें क्या देंगे दुख देंगे राइट एंड द लॉन्गिंग्स दैट बी फुलफिल्ड आपकी डिज़ायर्स आज हमने आपको चॉकलेट दे दिया आप कल फिर डिमांड करोगे फिर कल नहीं दिया तो फिर परसों डिमांड करो, तो डिमांड्स जो है ना उन्हें कभी भी फुलफिल नहीं किया जा सकता इसी तरह से जैसे आप अगर आप इसको आज के सिस्टम में रिलेट करके देखो जो दहेज प्रथा है हमने उसमें भी जो डिमांड करते हैं इट मीन्स जो डिमांड की जाती है वो रिश्ता नहीं किया जाता है सोसाइटी में मीन्स जो डिमांड करेंगे वो एक बार ही नहीं वो ज़िंदगी भर हमेशा डिमांड करेंगे और ये गलत है सो so, सोसाइटी जो है इसका अपोज करती है जो डावरी सिस्टम है इसका इसी तरह से डिमांड्स के नॉट बी फुलफ़िल ओके सो so, हमें जो है ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होना चाहिए बुद्धा व सेंग दिस टू हिज डिसाइपल्स समटाइम्स अ मैन गेट्स वॉट ही वॉन्ट्स राइट कुछ बार क्या होता है हमें वो मिल भी जाता है जो हम चाहते थे बट स्टिल नॉट सेटिस्फाइड एंड वॉन्ट्स टू गेट मोर आइटम्स वही बात है एक चॉकलेट का एग्जाम्पल ले लो आपको मैंने आज रे मिल दे दिया आपको आज मैंने कोई और चॉकलेट दे दिया आप आज के लिए सेटिस्फाई हो जाएगी लेकिन नेक्स्ट जैसे ही आपने फिनिश किया आप किसी खिलौने की डिमांड कर लोगे ओ ये तो चॉकलेट ही दिया मुझे तो खिलौना भी चाहिए सो so, इस तरह से क्या होता है हमारी जो डिमांड्स हैं वो कई बार हमें मिल भी जाता है हम कुछ बन भी जाते हैं लेकिन फिर भी हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं आता हमें और चाहिए हमें कुछ और चाहिए तो इस तरह से जो और वन मोर वन मोर जो हमारी आदत बन जाती है यही रीज़न है हमारे सफरिंग्स और सरोज़ का सो so, हमें सेटिस्फेक्शन लाना चाहिए अपने अंदर कि जो चीज़ हमें मिली है इट इज़ इनफ फॉर अस सो बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थ्रस्ट सो हम जो ज़्यादा बार बार हम डिमांड करते हैं ना हमारी जो इच्छाएं हैं इसे क्या बोला है बुद्धा ने थ्रस्ट बोला है मीन्स हमारी प्यास बोला है हम जैसे प्यासे होते हैं और हमें एक गुट पानी मिल जाए लेकिन हम उसमें फिर भी और ज़्यादा चाहिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक गुट आपके लिए आपको जो इनफ है आपके लिए जितना अप्रोप्रिएट है वो मिलने के बावजूद भी आप सेटिस्फाई नहीं होते हो इसे ही बुद्धा ने क्या कहा है ट्रस्ट कहा है ओरिजिनली उन्होंने क्या कहा था लिप्सा ओके okay? लिप्सा इज़ कॉल्ड तृष्णा और यू कैन से तन्धा सो so, इन्होंने कहा था इंसान के जो इच्छाएं हैं तृष्णा है, है लिप्सा है किसी चीज़ को पाने की जो हमारी इच्छा रहती है कि वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती तो हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए हमारी जो डिमांड्स हैं हमारी जो थ्रस्ट है हमारी जो, है, जो तृष्णाएँ हैं उन्हें हमें कंट्रोल करना चाहिए राइट एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग सो महात्मा बुद्धा थॉट दैट विक्ट्री ओवर सच लॉन्गिंग्स कैन बी अचीव्ड ओनली एंड ओनली बाय सेल्फ रेस्टोरेंट ओके सो ये जो डिमांड्स हैं ये जो हमारी लॉन्गिंग्स हैं इन्हें कैसे हम आ, इन पर कैसे हम विक्ट्री ले सकते हैं ओनली और ओनली बाय सेल्फ रेस्टोरेंट और यू कैन से मॉड्रेशन इन एवरी थिंग जो भी हमें मिला है उसको हंस के हमें एक्सेप्ट करना चाहिए राइट right? अगर आप सोचते हैं कि हमारे पास में ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है जो किसी और बच्चे को मिलती है, तो नो यू डोंट हैव टू बी सैड येस यू हैव टू मॉडरेट इन योर लाइफ जो भी आपको मिला है इट इज़ इनफ एंड यू हैव टू ट्राई टू गेट मोर बट आपको ट्राई करना है लेकिन आपको अपनी जो लॉन्गिंग से जो ज़्यादा आपको परेशान करती हैं, उस पर आपको कंट्रोल रखना है और ये कंट्रोल किससे आएगा जब आप मॉडरेट रहेंगे आप हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं आप हर चीज़ में इजियर रहेंगे आप हर जगह जो है ना समायोजन कर सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं तो आप ठीक रहेंगे ओके

राइट right? किया है ना बिकॉज दे वॉन्ट टू डेमोन्स्ट्रेट देयर रिचनेस और पुरोहित जो थे वो तो बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करते थे शुद्रास को तो इस तरह से उन्होंने कहा कि आपको हमेशा काइंड रहना चाहिए दूसरों के लिए आपको किसी को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए एंड स्पेशली एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स यू हैव टू लव एनिमल्स लाइक इन दिस पिक्चर अ गर्ल विद अ रैबिट राइट सो यू लव रैबिट्स सो वी हैव टू लव एनिमल्स ऑल्सो एज वेल एज ह्यूमन बींग्स उनकी भी फीलिंग्स होती है आपने देखा होगा हम जब किसी हमारे जो पैट्स होते हैं उन्हें अगर हम प्यार करते हैं तो वो भी हमें प्यार करते हैं एंड दे आर फेथफुल मोर देन ह्यूमन बींग्स राइट सो दीज आर सम टीचिंग्स ऑफ महात्मा बुद्धा एंड वी हैव लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम हे सो नेक्स्ट हम देखेंगे सारनाथ स्तूप के बारे में सो हे यू कैन सी हेय यू कैन सी सारनाथ स्तूपा एंड किसने बनाया था ये इट इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू एंड आई विल टेल द आंसर इन आर नेक्स्ट वीडियो सो आपको इसे सर्च करना है वो बिल्ड दिस सारनाथ स्तूपा ओके एंड अबाउट सारनाथ एंड द स्तूपा ऑफ सारनाथ दिस बिल्डिंग नोन एज स्तूपा ओके दिस बिल्डिंग नोन एज द स्तूपा स्तूपा क्यों बोला इसके स्ट्रक्चर की वजह से इसे स्तूपा बोला जाता है वॉज बिल्ड टू मार्क द पैलेस द प्लेस वे दुद्धा फर्स्ट ऑट हिज मैसेज ओके वे आर बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन ऐट सारनाथ सो यहाँ पर जो ये बिल्डिंग है इस्ता है ये क्यों बनाया गया था टू मार्क द प्लेस ओके इस प्लेस को मार्क करने के लिए एज ए सिम्बल बनाने के लिए यहाँ पर ये इस्ता जो है बनाया गया था एंड यू विल लर्न मोर अबाउट इस्तीफाज इन चैप्टर नंबर इलेवे सो एलेवेंथ चैप्टर में आप बहुत सारे स्तूपों के बारे में पढ़ेंगे ओके okay? अब यहाँ से हम एक चीज़ और देखने वाले हैं बुद्धा के बारे में ही बिलीव्ड दैट द रिजल्ट ऑफ और एक्शंस कॉल्ड कर्मा सो so नाउ कर्मा फैक्टर आपने देखा होगा ना जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा राइट सो वट एवर यू डू इन योर लाइफ यू विल गेट ऑल ऑफ दिस इन योर लाइफ जैसा आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा टिट फॉर टैट वाला जो हमारा जो चलता है सिस्टम सो यहाँ पे भी वैसा ही होगा ही बिलीव्ड He believed that the results of our actions, जो हम काम करते हैं, actions को क्या कहा है कर्मा, whether good or bad affect the present life as well as the next life. Because people were believe, right? There is another life after that. So ये जो belief है ये अभी भी चल रहा था. बहुत सालों से स्टार्ट हो रखा था ना जो बरियल साइड्स में हमने देखे थे पॉटरी यूज़ की गई थी रेड एंड ब्लैक पॉटरी यूज़ की जाती थी उसके बाद में अभी हमने देखा तो ग्रे एंड रेड वेयर हमने देखा था राइट सो so, अब क्या है यहाँ पे वो चीज़ें क्या बताती थी कि देयर इज अनदर लाइफ आफ्टर देथ सो इसी सिस्टम से इसी जो कल्चर से बुद्धा का भी ये विश्वास था कि दैट द रिज़ल्ट ऑफ आर एक्शंस कॉल्ड कर्मा वेदर गुड और बैड फेक्ट द प्रजेंट लाइफ एज वेल एज द नेक्स्ट लाइफ सो प्रजेंट लाइफ में भी आपको अफेक्ट करेगी एंड योर नेक्स्ट लाइफ अगर आप दोबारा जन्म लेते हैं सो so, उसमें भी आपको आपके जो कर्मज हैं दे विल अफेक्ट यू ओके ही चोज द प्राकृत लैंग्वेज He chose the Prakrit language of common people. That time yes, I have discussed with you that the Sanskrit was the language of Kalali and the Prakrit was the language of ordinary people. So he chose Prakrit language of the common people to teach the people. जो पुरोहित से उन्होंने क्या कहा था जो शुद्राज हैं जो ऑर्डिनरी मैन हैं दे कैन नॉट स्टडी द वेद वी कैन डू ओनली सो अब यहाँ पे क्या हुआ अच्छी बातें बताने वाला कोई भी नहीं था अब जो बुद्धाज हैं उन्होंने क्या सिस्टम यूज़ किया उन्होंने अपने जो सारे लेक्चर से अपनी जो स्पीच थी अपने जो सबंस थी वी प्राकृत लैंग्वेज दैट टाइम द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल उन्होंने इस लैंग्वेज में दिया ताकि वे जो सामान्य जनता है जो ऑर्डिनरी पीपल है उन्हें अच्छी बातें बता सकें सो दे कैन टीच द पीपल सो दैट मोर एंड मोर पीपल कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेजेस सो यहाँ से क्या होता है आपको जब हिंदू धर्म में इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स फ़ेस करनी पड़ती थी जो ऑर्डिनरी मैन थे अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया था बुद्धा को फॉलो करना बिकॉज़ बुद्धा ने क्या किया लैंग्वेज वो चूज़ की जिसमें ऑर्डिनरी पीपल जो है वो बात करते थे उन्हें समझ आती थी तो इसी लैंग्वेज का कर यूज़ करके बुद्धा ने जो अपने मैसेज था अपनी जो टीचिंग्स थी वे लोगों को दी और उसका इफेक्ट क्या हुआ लोगों ने बुद्धा को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया बाय देयर ओन चॉइस है ना ऐसा नहीं था किसी प्रेशर में उन्हें ये चीज़ यूज़ करनी पड़ती थी अब वो जो हिंदुइज्म का जो था यहाँ से वो लोग कुछ सेपरेट होने लगे थे एंड दे चूज़ देयर लाइफ एज ए फॉलोअर ऑफ़ बुद्धा राइट right? सो so, अब यहाँ से एक लॉ बताया था द लॉ ऑफ कर्मा विल सेव योर लाइफ सो अगर आप बिलीव करते हो यस yes, कर्मा सिस्टम में सो द लॉ ऑफ कर्मा विल सेव योर लाइफ अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा ये जो लॉ है ये जो सिस्टम बनाया था उस समय इसी सिस्टम को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम गलतियां नहीं करेंगे लाइफ में हम बड़ी गलतियां नहीं करेंगे सो वी विल डू नॉट major mistakes right and people could understand his message because he given his speech in the language of common people and the language was prakrit okay and we have discussed the language sanskrit language was different from now तो इस तरह से वो क्या थी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी तो ऑर्डिनरी मैन जो है उसे फॉलो नहीं कर पाते थे अब उन्होंने क्या किया इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स थी इतने सारे जो रिचुअल्स थे इतने सारी जो कस्टम्स होने थी और जो प्रॉब्लम्स की जाती थी उनके साथ में जो पार्शलिटी की जाती थी जो नेग्लेशन उन्हें फ़ील होता था अब उन्होंने क्या किया बुद्धम शरणम गुच्छामी राइट संस्कृत का एक कोटेशन है यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था महात्मा बुद्धा की जो स्पीच थी उनके जो मैसेज थे उसे फॉलो करना लेकिन बुद्धा ने क्या कहा said दैट पीपल शुड नॉट एक्सेप्ट एनी टीचिंग मैसेज जस्ट बिकॉज इट इज हिज मैसेज उन्होंने कहा कि आपको जो मैंने कहा है इसे सीधा सीधा एक्सेप्ट नहीं करना यू हैव टू थिंक बिफोर इट टू एक्सेप्ट इट अगर आपको मेरे जो टीचिंग है मेरे जो मैसेज है इन्हें एक्सेप्ट करना है उससे पहले आपको इसके बारे में सोचना होगा ओके बट दे शुड एक्सेप्ट इट ओनली आफ्टर considering. इट एड दे डिस्क्रिशन राइट सो उन्हें अपने आ, मन से इस बारे में ध्यान से सोचना होगा कंसीडर करना होगा अपनी प्रॉब्लम्स को और मेरे मैसेज को उससे रिलेट करना होगा एंड देन यू कैन एक्सेप्ट माई मैसेज सो इस तरह से उन्होंने ये नहीं कहा था बिकम माई फॉलोवर्स ओके जस्ट फॉलो मी ये नहीं कहा था उन्होंने कहा था यू हैव टू थिंक बिफोर टू एक्सेप्ट माई मैसेज राइट सो ये बहुत अच्छी बात थी बुद्धा की उन्होंने किसी को फोर्सफुली हमारे खुद के जो आ, जो धर्मा उन्होंने बनाया था बाद में लोगों ने उसको धर्मा का नाम ले दिया था बौद्ध धर्मा बिकॉज देवर सफरिंग फ्रॉम सो मैनी थिंग्स इन हिंदुज्म सो दे हैव स्टार्टिड एंड एज अ न्यू धर्म दैट टाइम बौद्ध धर्म एंड यहाँ से उन्होंने एक मैसेज दिया था कि आप लोग मुझे डायरेक्ट फॉलो मत करो आप पहले सोचिए देन यू विल डिसाइड टू एक्सेप्ट और नॉट ओके सो बुद्धम शरणम गच्छा में इज़ अ मैसेज मीन्स हमें बुद्ध की शरण में जाना चाहिए ओके okay. नेक्स्ट क्या है द स्टोरी ऑफ़ किस्सा गौतमी अभी एक स्टोरी दी हुई है आपकी स्टोरी दी हुई है आपकी बुक में किस्सा गौतमी की सो वी विल रीड दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ बुद्धा सो दिस इज़ अ फेमस स्टोरी अबाउट बुद्धा बुद्धा के लिए एक बहुत ही फेमस स्टोरी आई है, है। वल्स अपन अ टाइम द सन ऑफ अ वीमन एक बच्चा एक औरत का एक बच्चा नेम कि गौतमी डाइड किस्सा गौतमी नाम की एक विमेन थी उसका जो बच्चा था वो मर गया था इसी के बारे में ये कहानी है और ये कहानी किससे रिलेट कर है बौद्धा से और किस्सा गौतमी से शी वॉज सो सैड शी वॉज सोसैड बिकॉज वॉज डायड राइट उसका जो बच्चा है वो मर गया है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी एट दिस दैट शी रोम द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी वो पूरे शहर में घूमती रही क्यों घूमती रही विद हर चाइल्ड इन हर आर्म्स अपने बच्चे को अपनी बाहों में ले कर पूरे शहर में घूमती रही क्यों ट्रेन टू द पीपल दैट समि हन क्या आप किसी मृत व्यक्ति को दोबारा रिवाइव कर सकते हो क्या उसे ज़िंदा किया जा सकता है लेकिन फिर भी वो जो महिला थी वो इसी उम्मीद में एक्सपेक्टेशन उसकी बहुत ज़्यादा थी और एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा ही हाई करने से उसे ही ज़्यादा दुख हो रहा था तो वो क्या कर रही थी पूरे शहर में घूम रही थी क्यों घूम रही थी शी वॉज प्रेइंग टू द पीपल दैट सम वन शुड रिवाइव हर सन किसी ना किसी को उसके बच्चे को दोबारा ज़िंदा कर देना चाहिए अ गुड मैन टू हेम टू द बुद्धा ओके एक अच्छे आदमी ने उसे बुद्धा के पास लेकर गया बुद्धा सेड मे अंडफुल मस्टर्ड सीड्स आई विल ब्रिंग योर सन टू लाइफ ब्रिंग मे अ हैंडफुल मस्टर्ड सीड मस्टर्ड सीड्स हमने देखा था ना तो इट मीन्स यहाँ से एक तो एक चीज़ तो ये पता चलती है कि मस्टर्ड सीड्स की भी वहाँ पर जो क्रॉप्स है वो ग्रो करने लगी थी सो so, हम वो कह रहे हैं बुद्धा कि आप मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने ला दीजिए मैं आपके बच्चे को वापस से जो है ना जिंदगी दे दूंगा आई विल ब्रिंग लाइफ टू योर सन बट यहाँ से इस तरह से देखो वो प्रे कर रही है उसका बच्चा है यहाँ पे एंड ही वॉज डायड एंड शी वॉज प्रेइंग टू बुद्धा एंड बुद्धा बुद्धा ने क्या कहा ब्रिंग मे हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स आई विल ब्रिंग योर सन टू लाइफ ओके नेक्स्ट देखते क्या हुआ स्टोरी में आगे किस्सा गौतमी वॉज ओवर जॉइड वो बहुत खुश हो गई एंड स्टार्टेड गोइंग टू द सीड्स और उसने जाना स्टार्ट कर दिया कि ठीक है मैं अभी एक मिनट जो बीज है वो लेके आती हूँ बट द बुद्धा जेंटली स्टॉप हर एंड सेट अब जो है बुद्धा ने यहाँ पे उन्हें रोका और कहा गेट दी सीड्स फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज डाइड राइट ये बात ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है अगर आप इसे दोबारा देखें गेट दिस सीड्स फ्रॉम ए हाउस एक घर जहाँ पे नो वन हैज डाइड वो जहाँ पे कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है इज इट पॉसिबल नो डियर स्टूडेंट्स इट कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज हर जगह हर घर में हर इंसान की कभी ना कभी मृत्यु होना तय है ओके okay? सो so, इस तरह से वो जा रही थी हर घर घर में प्रे करने के लिए और क्या पूछ रही थी वो कि आप मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज दे सकते हो राई दे सकते हो और कैसा घर होना चाहिए जहाँ पे कोई भी कभी भी नहीं मरा हो सो so आप देखते हैं आगे क्या होता है स्टोरी में किस्सा गौतमी वर्न फ्रॉम डोर टू डोर बट वेर एवर शी वेंट शी फाउंड दैट एवरी हाउस हैज समर लाइक फादर मदर सिस्टर ब्रदर हजबैंड वाइफ चाइल्ड अंकल एंड आंट ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हैज़ डाइड सो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी भी घर में आज तक कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो हमारे सभी घरों में आज तक हमारे जो एल्डर्स हैं हमारे जो पूर्वज हैं उनमें से किसी ना किसी की कभी ना कभी मृत्यु हुई है सो so, अब ये जो सच्चाई है ये किसे पता चली किसा गौतमी को ये जो है ये पता चल गया कि मृत्यु होना निश्चित है सो so, इंसान अगर जन्म लेता है तो so उसे मरना हैं ये जो स्टोरी है इसमें बुद्धा जो किसा गौतमी को यही ट्रुथ बताना चाहते थे कि इट इज नॉट पॉसिबल ओके हु कम इन दिस लाइफ ही हैव टू डाई ओके जो यहाँ आया है इसे यहां से जाना भी होगा सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस पार्ट एंड वी विल टॉक अबाउट अन अदर थिंग्स इन दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टडीज गुड डे माई डियर स्टूडेंट्स